to a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm a plug right. Fucking gotta feel like that. तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले यामा के एक न्यू अपकमिंग बाइक के बारे में। सो गाइज, रिसेंटली कुछ सालों में इंडियन मार्केट में यामा जो है काफ़ी अच्छी अच्छी बाइक्स को जो है लॉन्च कर चुकी है, जैसे कि MT15 वर्जन 2 जब अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुई है, एंड जो R15 जो है उसको भी लॉन्च किया है वर्जन 4 एंड वर्जन M के रूप में, एंड जो है FZ में हम लोगों को काफ़ी अच्छे खासे चेंजेस जो है देखने को मिले FZ। सो गाइज, यामा जो है अभी प्लानिंग कर रहा है कि 150cc में तो वो अभी इंडियन मार्केट में मतलब कि किंग के हिसाब से ही वो चल रहा है, क्योंकि जो सेलिंग जो इंडियन मार्केट में 150cc में हो रहा है, जो कि स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट में हो रहा है, तो R15 से ऊपर कोई भी बाइक नहीं है, क्योंकि R15 का जो लुक्स है, जो पावर है 150cc के हिसाब से, वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, एंड जो फीचर्स वो R15 में प्रोवाइड कर रहा है यामा, तो वो कोई भी बाइक अभी तक कम्पीट नहीं कर पा रही है। तो अभी जो यामा सोच रही है कि 150cc में या फिर 200cc में, तो यामा अभी किंग है, लेकिन गाइस 300cc या फिर 350cc या फिर 400cc में अभी तक यामा में हम लोगों को कुछ भी बाइक्स अभी तक देखने को नहीं मिला है। सिर्फ हम लोगों को 2018 में आई थिंक R3 जो है वो चल रही थी, वो अभी डिसकंटिन्यू हो चुकी है। सो गाइस, अभी जो है हम लोग जो देख रहे हैं कि यामा जो है MT03 को जो है इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी, नेक्स्ट उसका जो प्रोजेक्ट है MT03, ठीक है। ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गाइज 150cc में तो वो अपना दाग छोड़ चुका है कि 150cc में वही किंग है यामा, ठीक है, लेकिन गाइज उसके अपर सेगमेंट में जैसे कि जावा वगैरह जो, वो सब 300cc के सेगमेंट में, हाँ वो सब नेकेड वर्जन में नहीं है, वो स्पोर्ट्स बाइक नहीं है, लेकिन गाइज जो होंडा CB300 है, तो वो सब जो है वो आप लोगों को होंडा की बाइक्स में आप लोगों को 300cc में रेंज में स्पोर्ट्स बाइक मिल जाएंगी, नेकेड बाइक मिल जाएंगी, लेकिन गाइस यामा के पास वो बाइक अभी तक नहीं है, वो कम्पीट नहीं कर पा रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो MT03 जो है वो अभी इंडियन मार्केट में लॉन्च करने के लिए रेडी कर रही है। ये गाइस मैं पिछले साल से ये बोल रहा हूँ कि MT03 MT15 के बाद आएगी, तो एंड गाइस ये जो है कन्फर्म न्यूज़ नहीं है, ऑफिशियल्स की तरफ से नहीं है, लेकिन गाइस जो लीक्स मेरे को मिला है, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि MT03 जो है कन्फर्म ये आने वाली है इंडियन मार्केट में, ठीक है। क्योंकि गाइस ड्यूक 390 का जो हम लोगों को जो पावर वगैरह यहाँ पे इंडियन मार्केट में मिल रहा है, वो पिछली जो ड्यूक 390 थी उससे काफ़ी ज़्यादा कम मिल रहा है, तो उस हिसाब से लोगों को इतना अच्छा उस बाइक में जो फीचर्स है वो नहीं मिल रहे हैं, उसमें जो पावर मिलना चाहते वो नहीं मिल रहा है, तो उस हिसाब से यामा जो है अभी कड़ी टक्कर देने वाला है KTM एंड जो होंडा को 300cc के रेंज में, क्योंकि R3 या फिर MT03 कुछ भी बोल लो, ये अगर इंडियन मार्केट में आ जाएगी तो लोग पागल हो जाएंगे। काफ़ी सारे बंदे जो है मेरे सब्सक्राइबर्स में कुछ हैं भाई, तो वो मेरे को बोल रहे थे कि भाई MT03 कब आएगी या फिर R3 कब आएगी। सो गाइस, R3 से पहले MT03 आने वाली है, ठीक है, उसके बाद ही R3 को ये लोग लॉन्च करेंगे, क्योंकि अगर R3 को ज़्यादा प्राइस में लॉन्च कर दिया जाएगा तो वो अगर सक्सेसफुल नहीं रहा तो भाई वो लोग मतलब कि डूब ही जाएंगे, ये मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि MT03 का प्राइस जो है R3 से लगभग 15,000 से 20,000 कम होने वाला है, तो उस हिसाब से वो लोग पहले R3 को लॉन्च नहीं करेंगे, MT03 को ही लॉन्च करेंगे। तो MT03 में हम लोग को क्या कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ा जो हाईलाइटिंग चीज़ जो मेरे को अभी तक लगा है MT03 या फिर R3 इन गाड़ियों में, यामा की पावर, ठीक है, जो पावर डिलीवरी ये बाइक करती है, कोई भी 300-400cc सेगमेंट में आप लोगों को इतना अच्छा पावर मिलेगा नहीं, एंड जो है आप लोगों को सिंगल सिलेंडर नहीं मिलेगा, ड्यूअल सिलेंडर के साथ ये गाड़ी आने वाली है, ठीक है, उस हिसाब से प्राइसिंग थोड़ा सा हाई रहेगा, मतलब कि ड्यूक 390 के आसपास ये हो जाएगा, 3,00,000 से 3.5 लाख तक इसका प्राइसिंग जो रहने वाला है ऑन रोड प्राइस, ठीक है। तो गाड़ी का जो प्राइसिंग मैंने बता दिया है, एंड जो पावर है वो आप लोगों को पता चल चुका होगा, मतलब कि 29 Nm टॉर्क मिलेगा एंड जो 42 Nm BHP मिलेगा, ठीक है, 42 BHP हम लोगों को मिलेगा एंड 29 Nm टॉर्क मिलेगा, तो सबसे इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा होने वाला है। तो एंड जो फीचर्स की अगर हम लोग बात करें, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगा, फ्रंट में आप लोगों को USD सस्पेंशंस मिल जाएंगे, लुक्स जो है आप लोगों को इंटरनेशनल मॉडल वाला मिलेगा, सिर्फ हम लोगों को यहाँ पे कलर्स और ग्राफिक्स में थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा, एंड जो टायर्स वगैरह वो आप लोग 140 सेक्शन में ही मिलेगा, 150 सेक्शन नहीं मिलने वाला है, 140 सेक्शन में जो भी इंटरनेशनल मॉडल में मिलता है उसी टाइप का यहाँ पे टायर भी मिलने वाला है, ठीक है। सो गाड़ी काफ़ी अच्छी होने वाली है, एंड काफ़ी जो दमदार गाड़ी एकदम, मतलब कि काफ़ी दमदार ये गाड़ी होने वाली है, ठीक है, क्योंकि गाइस इसका जो पावर आप लोगों को मिलेगा, ये इसका जो टॉप हैंड है ये लगभग 170 प्लस चली जाती है आराम से, इजीली, एंड जो R3 वो तो 190-195 के करीब वो चली जाती है, ठीक है।
तो ये नेकेड वर्जन में है तो उस हिसाब से यार 170-175 ये इजीली चली जाएगी। एंड जो है इंडियन ऑटो में जितनी भी 300cc की गाड़ियाँ हैं उनको ये जरूर बीट करने वाली है। गाड़ी जो है कब तक गाइस लॉन्च होगी, तो गाड़ी जो एक्सपेक्टेड है हम लोगों को ये जो है सीजन्स में लॉन्च होने वाली है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है, ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन गाइस फेस्टिव सीजन्स में ये लोग लॉन्च करेंगे R3 या फिर MT03। ज़्यादा चांसेस है MT03 को लॉन्च करने के बाद ही R3 को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। सो उस हिसाब से यार MT03 अगर आ गई तो काफ़ी भोकाल मचा देने वाली है। आप लोग मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना कौन कौन जो इस गाड़ी के लिए एक्साइटेड हो। मैं भाई काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास बजट हो गया MT03 को लेने के लिए तो मैं ज़रूर लेना चाहूँगा उस गाड़ी को, क्योंकि जो पावर वगैरह उस गाड़ी में आप लोगों को मिलेगा 300cc के हिसाब से काफ़ी सही पावर आप लोगों को मिल जाएगा, काफ़ी अमेजिंग पावर मिल जाएगा, लुक्स जो है वो भी काफ़ी अमेजिंग मिलने वाला है। सो गाइस यही था कुछ वीडियो में अपडेट जो कि यामाहा MT03 के ऊपर था। आप लोग मेरे को कमेंट्स बताना वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, एंड अगर चैनल पर नए हो चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जो दबा देना, वीडियो को जो लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल गाइस।